अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज छुट्टी के दिन इतनी गर्मी में आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और आपने साबित कर दिया कि आपके दिल जो है कश्मीर के लिए धड़कते हैं। उन पर जो जुल्म हो रहे हैं, जो तशद्दुद हो रहा है, वो लोग आप लोगों को महसूस कर रहे हैं जैसे कि हम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट करने का मतलब यही है कि जो जुल्म हमारे बाएं कहने पे कश्मीर में हो रहे हैं उनको रोका जाए। इंडिया से हम ये मुतालबा करते हैं कि उनके ऊपर जो गोलियां चलाई जा रही हैं, उनकी आंखें कितने, आपने खबरों में देखा होगा कि 20-30 ऐसे बच्चे हैं जिनकी गजरें चली गई हैं, वो कभी उनको दिखाई नहीं देगा। आप ऐसी गोलियां मार रहे हैं जैसे भी आंखों में जा रही है, तो ये बहुत जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमानों पे। इसलिए हमने सोचा कि ये एहतजाज किया जाए। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जनाब इफ्तिखार भाई का, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हमें ये मीटिंग में कहा कि हमें मुसलमानों के लिए एक आवाज़ उठानी चाहिए, तो हम सारे जो है उसके साथ चल पड़े। उसके साथ साथ मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी पूरी टीम का। यासर नवीद है हमारे सामने खड़े हुए, उन्होंने बहुत काम किए हैं। ये जितने भी आप सामने पोस्ट देख रहे हैं या जो भी अभी फेसबुक पर ये पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है, उसके लिए भी ये कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तालिए बजाई जाए उनकी जो खिदमात है उसके लिए और इफ्तिखार भाई के लिए। और इसके अलावा हमारे बहुत ही हमारे पार्टी के मेंबर हैं गुलाम मुस्तफा, और आज भी हमारे साथ खड़े हुए। आप सब की तालियों में मैं चाहता हूँ कि उनका जो है शुक्रिया अदा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और फकीर भाई जो कि स्टेट सेक्रेटरी के खिदमत अंजाम दे रहे हैं आज, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इसमें शामिल हुए। और हम पाकिस्तान घरने से भी मुकाबला करते हैं कि ये ना कहा जाए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बल्कि ये कहा जाए कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहे हैं उनको रोका जाए। मोदी का नाम लेके कहा जाए कि मोदी ये जो जुल्म कर रहे हैं मुसलमान बहनों, हमारी बहनें भाइयों उसको खत्म करें रोके। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक्स द पुलिस डिपार्टमेंट, दे हैव गिवन अस दिस ऑथराइजेशन विद इन 4 days। नॉर्मली they can only give the authorization after 7 days, but I'm so thankful to Hong Kong Police Department to give us the authorization within 4 days. Thank you so much, Hong Kong Police. और इसके साथ साथ एक नारे के साथ है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله مولانا العظيم. وزن حاضرین اس قرآن احتجاجی مظاہرہ کے شرکا، سب سے پہلے میں پی ٹی آئی اور ان کے جملہ اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ احتجاجی مظاہرہ شروع کیا ہے، اور پھر اس میں شہید ہونے والے جملہ تنظیمات اور تمام مختلف جو ہمارے شبہائے زندگی کے احباب ہیں وہ شریک ہوئے اور اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کے آزادی و کشمیر کے لیے ہمارا حصہ سمجھ کر قبول فرمائے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ بہت سارے کمزور مرد، خواتین اور بچے ظلم کی بستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ پکار رہے ہیں ربنا اخرجنا من ہذہ القرۃ الظالم اہلھا، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے، جس کے باشندے ظالم ہیں. یاد رہے کہ اسلام کا فلسفہ جہاد یہ صرف اور صرف ظلم کے خلاف ہے. کفر مٹانے کے لیے جہاد نہیں کیا جاتا، بلکہ جہاں ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے خلاف اسلام اور اسلام مسلمان ہمیشہ سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اور ان ظالموں کا قلع قمع کرنے کے لیے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے ہر لمحہ مسلمان مستعد اور تیار ہوتے ہیں. عالمین محترم، کشمیر میں بھی بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یاد رہے کہ کشمیر کی تاریخ ہزاروں سال پر مشتمل ہے، اور ہزاروں سال کی یہ تاریخ رکھنے والا ملک جب تقسیم ہند مرز وجود میں آیا تو اس وقت اس ریاست کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور پھر 80% مسلمانوں کے باوجود، مسلمان آبادی 80%، اور ان کی مرضی کے خلاف جو کشمیر کا الحاق 26 اکتوبر 1947 کو تو کشمیر کا مہاراجہ تھا ہری سنگھ، اس نے کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کر دیا. کشمیریوں کی مرضی کے خلاف جب یہ الحاق ہوا تو پھر انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع ہوئی. حاضر محترم، تب سے لے کر آج تک کشمیر میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. 1 لاکھ کے قریب کشمیری مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہزاروں لوگ معذور ہو گئے ہیں زندگی سے. ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا ہے. بیویوں کے سہاگ اجاڑے گئے ہیں. ماؤں کی گودیں ویران ہو گئیں، اور یو این او نے کشمیریوں کے حق میں قرارداد پاس کی، حق کے خود ارادی دیا، مگر اس کے باوجود آج تک اس قرارداد پہ عمل نہیں ہو سکا. حالیہ جبر تشدد اور ریاستی دہشت گردی کی جو لہر اٹھی ہے، اس میں 50 سے زائد کشمیری مسلمان جان شہادت نوش کر چکے ہیں. کرنے کے لیے رہ گیا ہے آج کشمیر کا ایشو اینکر اور ٹاک شو میں صرف ریٹنگ بڑھانے کا ذریعہ رہ گیا ہے. اور یاد رکھے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں کوئی حکومت بھی مؤثر آواز اٹھانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہی، اس لیے کہ کوئی حکومت اور ملک
कभी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की पोजीशन में नहीं हो सकता और वो जुरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब वो अपने खुद शहरियों पर जुल्म सितम कर रहे हो, कोई कौम और कोई मुल्क अपने भारत के खिलाफ मुअस्सर आवाज कभी नहीं उठा सकता जो मुल्क खुद अपने शहरियों को कत्ल गारत गरी का निशाना बना रहा हो। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में आजादी की हिमायत कभी नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क के बाशिंदे खुद दूसरों के गुलाम हो, मफादात के गुलाम हो, पार्टियों के गुलाम हो और हर तरह की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हो, वो कभी कश्मीर और दूसरे मुसलमानों की आजादी के लिए नारा बुलंद नहीं कर सकता। इस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। अगर हम आज अपना आज नहीं बना सके तो कल हमारा रोशन नहीं हो सकेगा। लिहाजा जब हम कश्मीरियों की आजादी के लिए बात करते हैं तो उससे पहले हमें मुख्तलिफ किस्म की गुलामियों से अपने आप को आजाद करवाना होगा। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग, मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सराग, अंधेरी शब्द में है चीते की आंख जिसका चराग, और मुयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है बंदाए हुर के लिए जहां में चराग। आज हम अपनी जिंदगियों को देखें, हम हमारी सारी जिंदगी गलियों में, बाजारों में, होटलों में, दुकानों पर और हर जगह पर हम बेमकसद जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम फिराकत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जरूरी है कि हम अपने आप को आजाद कर जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी आजादी का न सिर्फ ख्वाब देखने बल्कि हकीकी आजादी में जिंदा रखे और जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए, वो जज्बा हुर्रियत अता फरमाए कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई वफाक हमें अपना गुलाम न बना सके। अल्लाह ताला आज के इस एहतजाजी मुजाहरा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम फिर बारे दीगर तमाम अहबाब को शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसमें शिरकत फरमा कर अपनी आवाज कश्मीर के मजबूर मुसलमानों के हक में बुलंद की है। सिर्फ यहाँ तक नहीं, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर अपने तमाम कश्मीरी भाइयों और पाकिस्तान में भी जुल्म व सितम का खात्मा करने का अज़्म करना है, ताकि हमारा मुल्क जिस आजादी के लिए हमने लिया था, अगर कश्मीर के मुसलमान आज हमारी अपनी निगाहों से हमें देख रहे हैं कि 70 साल के करीब अर्सा हो चुका है, मगर कश्मीर जिस पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था वो अपने मकसद में नाकाम है, तो फिर वो उस नाकाम रियासत की तरफ कैसे अपनी उम्मीद निगाहों से देख सकते हैं। लिहाजा हम सबसे पहले अपने आप को हकीकी आजादी से हमकिनार करें, अदल व इंसाफ का राज कायम करें और अपने मुल्क से जुल्म व सितम का खात्मा करें, तो फिर इंशाअल्लाह कश्मीर भी आजाद होगा। वमा अलैना इल्लल बला। अब जनाब जज़ाकअल्लाह मुफ्ती नसीम साहब हमारे दिलों को गरमा रहे थे और बहुत से नाकाय के उनसे पर्दा उठाया उन्होंने, और अल्लाह पाक जो कुछ उन्होंने कहा उनसे अमल करने की तौफीक दे। अब बिला ताखीर हमारी कुछ खुशकिस्मती की जनाब मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब हमारे हमारे बीच तशरीफ फरमाए, अब मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और अपना इजारे ख्याल करें। صدق اللہ العظیم। काबिल एहतराम, आज मैं और आप इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हमारे भाई एक कलमा पढ़ने वाले और एक अल्लाह का नाम लेने वाले और एक रसूल पे ईमान लेने वाले, ईमान लाने वाले, आज उनके ऊपर अरसा हयात तंग हो चुका और उस मुल्क के अंदर तंग हो चुका है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया कहलाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है। आज उस मुल्क के अंदर एक एक जानवर मर जाए तो उस पर आवाज बुलंद होती है, और आज उस मुल्क के अंदर अगर एक औरत पर कोई हाथ उठा ले, दिल्ली के अंदर जैसे हुआ,
पूरी दुनिया चीख उठती है, पूछना चाहता हूँ, आज कश्मीर के बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, और ये नौजवान शहीद हो रहे हैं, आज दुनिया के अंदर उसके लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद हो रही? यही भारत है, और यही भारत अपने आप को इंसानी हकूक का बड़ा आलमबरदार कहता है। अंदर बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल क्यों हो गए हैं? पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे 10 आदमी इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? पूछना चाहता हूँ, जनाजे में शिरकत की इजाजत क्यों नहीं है? पूछना चाहता हूँ, आज उनको इकट्ठे होकर अल्लाह का नाम बुलंद करने की इजाजत क्यों नहीं है? कश्मीरी ये वही कौम है जिन्होंने अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए 22 आदमियों ने जाने दे दी, मगर आजान पूरी करके दिखाई, और आज ये वक्त बता रहा है, आज फिर कश्मीरी इकट्ठे हो गए हैं और बताना चाहते हैं, 70 साल तक तुमने जकड़े रखा है, लेकिन वो वक्त आने वाला है, ये तुम्हारी गुलामी की पाली से खत्म होगी, वो वक्त आएगा जब कश्मीरियों को आजादी मिल जाएगी। जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है, और यही कौन है, यही हिंदुस्तानी। मैं पूछना चाहता हूँ, हैदराबाद ने आजादी का ऐलान किया, तुमने हैदराबाद वालों की आजादी को ठुकरा दिया, कब्जा कर लिया, या आज का गुजरात हिंदुस्तान का, इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, मगर आज इंडिया की फौज ने उस दौर के अंदर उस पर कब्जा कर लिया, मगर इस उसूल के तहत कि वहां अक्सरियत हिंदुओं की है, वहां अक्सरियत और आवाम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर कश्मीर के आवाम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर गुजरात वाला उसूल कश्मीर पे अप्लाई क्यों नहीं होता? जैसे गुजरात के अवाम को तुमने हक दिया था 1947 के अंदर, तो आज जरूरत है कश्मीर के अवाम को भी हक दिया जाए। और फिर खून खून करके इंसान निजात दे दे, और फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है, और ये अल्लाह की रहमत है कि आज आप इकट्ठे हैं, ये अल्लाह की रहमत है कि पाकिस्तान में लोग कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हैं, ये अल्लाह की रहमत है दुनिया भर के अंदर कश्मीर से मोहब्बत करने वाले आज भी इकट्ठे हैं, और ये मोहब्बत सिर्फ इस वजह से है, मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ईमान का है, अकूमत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबुल में, हिंदुस्तान का हर पूरे जवान बेताब हो जाए, आज मैं बेताब, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस्लामी अखुवत का सबूत देते हुए, और मैं पाकिस्तान की तारीफ करता हूँ, कमजोरियां अपनी जगह पे, आज मैं पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज के लिए नहीं आया, हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाज के लिए आया हूँ, पाकिस्तान में अपनी कमजोरियों और अपनी मुआशी मुश्किल के बावजूद, दाखिली मुश्किल के बावजूद, दाद और सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान को, कि 70 साल से कश्मीर का मुकदमा लड़ते लड़ते आज भी उसने हथियार नहीं फेंके, दुनिया ने अपने अपने मुकदमे छोड़ दिए, लेकिन जब तक पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तानी जिंदा है, कश्मीर का मुकदमा लड़ते रहेंगे। आजादी। पाकिस्तान ने ऐलान किया कि कश्मीर शहरग है, और ये शहरग पाकिस्तान के हर फर्द की है, ये मेरी शहरग है, ये आपकी शहरग है, बल्कि हर मुसलमान की शहरग है, और कश्मीर यही खिता है जिसके लिए हरमैन में दुआएं होती हैं, जिसके लिए आप दुआएं करते हैं, जिसके लिए बैतुल मुकद्दस में दुआएं हैं, और ये दुआएं रंग लाएंगी, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब मैं और आप कश्मीर में जाकर अल्लाह के नाम को बुलंद करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको ये तौफीक दे, और कश्मीरी भाइयों के लिए दुआ करने की, उनके सपोर्ट करने की, हम अखलाकी सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करने की अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, और मेरी दुआ है कि जो कश्मीर कास्ट के लिए अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, अल्लाह उनकी जानों के नजराने को कबूल फरमाए, और जो लोग इस काम में आज भी लगे हुए हैं, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, और अल्लाह कश्मीर के अवाम को उनका हक के खुद इरादियत नसीब फरमाए। हम अपना वो हक जो हमसे जलब किया गया है, वो लेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए
उसके लिए हमारी बहनों की इज्जतें लुटी, उसके लिए हालिया दो हफ्ते की बेबैयत है, चार दिन का बच्चा शहीद हुआ। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त जानते हैं इंडियन कंट्रोल कश्मीर की जो क्यादत है उससे दिन बोझ पे आपके बहुत सीमा के अंदर 14 दिन से कफ्यू है, वहां दवाई जाने की इजाजत नहीं है, वहां जख्मियों को बीमार को अस्पताल ले जाने की इजाजत नहीं है, तो फिर क्या ना शर्म आए, क्या ना हम लानत भेजो आलमी दुनिया को, क्या ना हम लानत भेजो आलमी मीडिया को, क्या ना हम लानत भेजे इंसानी हकूक की तंजीमों को, जो इंसानियत की बात तो करती है लेकिन जम्मू कश्मीर के मजलूम और महकूम इंसानों का हकूक पर नजर नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुना अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त तक डटे हुए हैं जब तक के हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। आलमी दुनिया से जो अपील करना चाहूंगा कि एशिया के अमन को बचाना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आजी जंग को बचाना है, तो मसला कश्मीर को हल किया जाए। तुम्हारी जबरी पॉलिसी फलस्तीन से लागू क्यों नहीं होती, तुम्हारी आवाज कश्मीर के अंदर क्यों नहीं पहुंची, मजलूमों महसूमों कश्मीर के लोगों की फलस्तीन के लोगों की आवाज तुम्हें क्यों सुनाई नहीं देती, ईस्ट तैमूर की आवाज तुम्हें क्यों एकदम सुनाई दे देती है, ईस्ट तैमूर शिमाली सूडान की आवाज तुम्हें क्यों सुनाई देती है, इसलिए कि वहां तुम्हारे जाति मुफाद वाबस्ता है, इसलिए कि वहां तुम उन लोगों की मजलूम मंशा के खिलाफ अपने मकासद के लिए उन लोगों उन ममालक को तकसीम करना चाहते हो, तो कश्मीर के लोगों की आवाज तुम्हें इसलिए सुनाई नहीं देती कि कश्मीर के अंदर आयल के कुएं नहीं है। लेकिन याद रखो तुम्हारे हाथ में यह ताकत है, कानून के पास भी ताकत थी, शद्दात के पास भी ताकत थी, याद रखो तुमसे पहले भी कई नए जमाने में गुजर चुके हैं, अगर तुम हक के फैसले नहीं करोगे तो नबूद हो जाओगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कमानों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कश्मीरी होने की हैसियत से कि कश्मीर के मुस्तकबल का फैसला मैंने करना है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। कहा है पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई कश्मीर कमेटी खुशी में हर मौके पे अपने कश्मीरी भाइयों का साथ दिया, लेकिन मैं चैन उस हुकूमत के लिए जब भी हम पे मुश्किल आती है एक तरफ तो पाकिस्तान की हुकूमत का यह मौकफ है कि कश्मीर पाकिस्तान की छायक है, लेकिन जब वहां पे बच्चे काटे जाते हैं, जब वहां पे बहनों की इज्जतें लूटी जाती है, जब वहां पे बुजुर्गों से दवाई बंद की जाती है, उस वक्त हमें पाकिस्तान की हुकूमत नजर नहीं आती। मैं पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की अवाम की हिसाबत से हुकूमत पाकिस्तान को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि ये दोगली पॉलिसी बंद कीजिए, ये मैंने अफगाना पॉलिसी बंद कीजिए, बिल्कुल बाबा जान को उपाय भी लेंगे, ये हक हमारा, हम न कहेंगे ये जोर से बोलो, ये जोर से बोलो, हम न कहेंगे कमाल ने लूंगा। बहुत शुक्रिया सुना को कश्मीर साहब अपनी जनवाद। अभी सबसे आखिर में मैं जनाब अपने पीटीआई के सीनियर एडवाइजर जनाब फैजल हसन साहब को मैं दावत दूंगा कि वो थोड़ी देर चाइनीज में खिताब करेंगे आपसे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत निहायत रहने वाला है। नई सी सीट हमें तायन तीन खाली साहब मुखन जी Or the hell do you find the young Beijing food? Or do you find the more Beijing food? 这个请示一下哦, Pakistan, Zindabad! 对啊, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आपने जवाब देना है, मैंने देना, एम एस जानने के लिए 8 कश्मीर
Thank you.